नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 नर्सिंग कॉलेजेस को सील किया गया है। दत्तात्रेय राय अकेडमी को सील किया गया है, वर्मा यूनियन को सील किया गया है, देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज भी सील किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की टीम ने भी इंदौर में डाला डेरा, कई संचालक मोबाइल बंद कर हुए गायब। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 नर्सिंग कॉलेज सील किए गए हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, दिल्ली से भी पहुंच गई है इंदौर में टीम, हुआ क्या है यहाँ पे, चल क्या रहा, जरा बताएं। देखिए, पूरा जो मामला है वो नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ है जी। सीबीआई की जो टीम है नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई के एक इंस्पेक्टर जो है वो पहले ही सीबीआई के गिरफ्त में है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और सीबीआई ने अभी तक इंस्पेक्टर से जो पूछताछ की है उसमें कई कॉलेजों के कई डायरेक्टर के नाम सामने आए। तो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, इस पूरे फर्जीवाड़ा की पिछले करीब 4 से 5 महीने से सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल ये जो पूरा मामला है, बताए कौन कौन से 5 नर्सिंग कॉलेजेस है। इस वक्त जो 5 नर्सिंग कॉलेज है जिन पर बड़ी कार्रवाई है, दत्तात्रेय राय अकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग और एक देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज, ऐसे सहित करीब 5 जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज है, उन 5 नर्सिंग कॉलेज को सील किया गया है। बड़ी कार्रवाई ये है। और इस वक्त दिल्ली की जो टीम है, सीबीआई जो दिल्ली है, वो भी इस वक्त इंदौर में मौजूद है। जो नर्सिंग कॉलेज के जो ऑनर है, मालिक, डायरेक्टर, सभी लोग जो है वो फरार चल रहे हैं। इन लोगों की लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आई है। मोबाइल लोकेशन की टावर जो है वो सामने आ चुकी है। जो सीबीआई की रिपोर्ट में जो कैटेगराइज किए गए थे, डेफिशिएंट थे, कुछ सूटेबल थे, तो उन लिस्ट में क्या ये कॉलेजेस भी थे जो 5 कॉलेजेस हैं? जी बिल्कुल, ये जो कॉलेज है इन कॉलेजों का नाम बाद में जोड़ा गया था। पहले जिन पे कार्रवाई की गई थी और जो उसमें लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ के बाद में इस कॉलेजों के नाम जुड़े हुए थे। जिन कॉलेजों पर अभी सील की कार्रवाई की गई है, लगातार ये पूरा जो मामला है कोर्ट भी पहुंचा था। कोर्ट में भी सीबीआई और तमाम बड़े अधिकारी है उनके तरफ से वो कुछ एविडेंस भी दिए गए थे। और अब बकायदा इस पूरे कॉलेज को सील कर दिया गया है। अब इस कॉलेज के जो दस्तावेज है, जो पूरा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को जब्ती कर लिया गया है और जब्ती करके इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इससे बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और हालांकि जब से जो सीबीआई के इंस्पेक्टर है, जब वो गिरफ्तार हुए थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद से जो पूछताछ हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम आए थे, अलग अलग नाम सामने आए थे, लेकिन जब इनके बड़े खुलासे और हो सकते हैं, महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ सकती है। मिथिलेश जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जो संचालक हैं मोबाइल फोन बंद करके, अब वो अनट्रेसेबल हो गए हैं, बिल्कुल रीच में ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात मुरैना की कर लेते हैं, जहां पर रेत माफिया पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। रेत माफिया के अवैध घर पर बुलडोजर चला है। राम रतन का पूरा इलाके में एक कार्रवाई की गई है। 19 मई को शिक्षक की हत्या हुई थी, रेत माफिया ने ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी थी। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, शिक्षक की हत्या के मामले में यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन का ये एक्शन, बुलडोजर चला है रेत माफिया के घर पर। ये अवैध तरीके से घर पर यहां पर बनाया गया था, रामरतन का पूरा ये इलाका जहां पर कार्रवाई हुई है। 19 मई को टीचर की हत्या कर दी गई थी, ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या की थी। एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। सीधी रेप मामले में प्रशासन का एक्शन हुआ है। रेप के 3 अन्य आरोपियों पर एक्शन हुआ है। आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपियों के कच्चे घरों को प्रशासन ने गिराया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल यहां मौजूद रहा। कितने उनके घर के क्राइटेरिया का घर गिराया गया है सर? जो उनके हिस्से में आता है, जो उनके हिस्से में आता है उसको जो है किया जा रहा है। कितने कमरे हैं? एक एक कमरे उनके हिस्से में, हाँ, एक एक कमरे अलग अलग हैं, उसी के बारे में कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर खरगोन से, जहां अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। खरगोन पुलिस की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। 25 अवैध कट्टे और पिस्टल मिले हैं। बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया है। करीब 4.5 लाख का हथियार मिला है। सिकलीगर के साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं।
तो ना सिर्फ हथियार मिले हैं बल्कि हथियार बनाने वाला सामान भी इनके पास से मिला है। दो पकड़ में आए हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। खरगोन में हथियारों का जखीरा आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों के सामने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई किस तरीके जखीरे को पकड़ा गया है, कौन लोग पकड़े गए हैं यहां पर इन जखीरे के साथ, किनको गिरफ्तार किया गया है। 25 अवैध कट्टे पिस्टल मिले हैं और साथ ही हथियार बनाने वाला सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ खुद पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना मौजूद है। 25 अवैध पिस्टल एक बार फिर जब्त किए। सर, किस प्रकार कार्रवाई? आज पुनः खरगोन पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की है और यदि देखा जाए तो आचार संहिता के तहत ये पांचवी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें फैक्ट्री स्तर के एक निर्माण करने वाली जो स्थान है उस पर रेड करके और हमारी टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े हैं। यदि देखा जाए तो आज कुल 25 अवैध कंट्री मेड फायर आर्म्स हमारी टीम ने पकड़े हैं और साथ ही साथ उनको निर्माण करने वाली सामग्री भी पकड़ी है। यदि इनका बाज़ार मूल्य देखा जाए तो करीब 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास है और मौके से दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी कराने में मदद करते हैं उनके विरुद्ध खरगोन पुलिस लगातार सक्रियता से कार्रवाई करती रही है और आचार संहिता के दौरान ही देखा जाए तो विगत 2 माह में 176 अवैध हथियार हम लोगों ने बरामद किए और साथ ही साथ बीच में जो आरोपी इसमें फरार थे उन लोगों को भी हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आने वाले समय में भी अवैध हथियार निर्माण करने वाले और विक्रय करने वाले ऐसे आपराधिक तत्वों पर खरगोन पुलिस कार्रवाई करते रहेगी। ये थे एसपी धर्मराज मीना, जिनका सीधा कहना है कि खरगोन पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियार को धरपकड़ को लेकर कार्रवाई की जा रही। पिछले 2 महीने में जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही उसके दौरान करीब 176 अवैध हथियार जब्त किए गए। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। और अब खबर ग्वालियर से, जहां दिन दहाड़े चोरी की लाइव तस्वीरें देखने को मिली है। दिन दहाड़े घुसा चोर, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। समधिया कॉलोनी में दिन दहाड़े चोर घुस आया, घर में चोरी करने से पहले ही पकड़ा गया है। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चोर यहां पर चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ था लेकिन उसे वक्त रहते ही पकड़ लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चोर के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए। इतना पड़ेगा तो अभी पहचानने वाले वो पड़ जाएंगे। और तेरा नाम क्या परे? नर्मदापुरम में वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींची है। वायरल वीडियो में नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन में एक वेंडर यूज किए गए इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल पैकेट को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए धो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद रेलवे स्टेशन पर खाना खाने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। ये नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं इस शख्स को, इसके पास में डिस्पोजेबल पैकेट रखे हुए हैं जिनमें खाना पैक होता है और देखिए ये उसे धो रहा है। स्वाभाविक बात है, यात्रियों की सेहत के साथ खेला जा रहा है और इसके लिए रेलवे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अगर रेलवे चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आप ये बताइए। अवैध वेल्डर भी घूम रहे हैं, ये तो पुरानी बात है साहब। क्या क्या नहीं मिलता, कीड़े मिलते हैं, कॉकरोच मिलते हैं, छिपकली मिलती है, यहाँ तक कि पुराना खाना जो है सुबह सर्व किया जाता है गरम करके। मामला ये है जैसे खाना हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे खाना खराब हो गया, वो जो कंटेनर बचते हैं उसको अपन डस्टबिन में पलटा दिया जाता है और उसको उसमें खाना खराब ना दिखे दूसरा बनने के लिए उसको इसलिए साफ कर दिया जाता है। तो इस मामले में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने संज्ञान लेते हुए इटारसी रेलवे स्टेशन के सुपरवाइजर को जांच के निर्देश दिए हैं। वैसे जो वीडियो की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इटारसी का है, तो हमने अपने वहाँ के जो सुपरवाइजर्स हैं उनको उसकी जांच रिपोर्ट भेजने का बोला है और वो जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है तो अगर पाया जाता है कि इस तरह का कोई कृत्य किया गया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी के अजीबोगरीब फरमान से टीचर्स में भारी गुस्सा है।
यहां अधिकारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर समेत 10 लोगों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए बकायदा लिखित में आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में नाराजगी है। विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर सहित कई जिलों के कलेक्टर महोदयों को एक पत्र लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे बच्चे शहर के प्रमुख स्थानों पर भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित किया जाए। और इसके लिए महिला बाल विकास कलेक्टर महोदया ने जो है महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने यहाँ के अमले को लगा करके और ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं। महिला बाल विकास और हम लोगों ने जो है वो अपने जो अमला है हमारा उसकी हमने ड्यूटी लगाई है और उसके माध्यम से हम जो है बच्चों को, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर रहे हैं जो शहर के कई जगहों पर जो है वो भिक्षावृत्ति का काम कर रहे हैं। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इतिहास में पहली बार एफआईआर दर्ज कर संचालक और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना की ओर से बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शहर के 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ 9 पुलिस थानों में एफआईआर दी गई है। इसके बाद इन स्कूलों के संचालक और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कलेक्टर ने इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश किया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से कि आप खुद जांच करिए, जो गलतियाँ हो गई उन गलतियों को सुधारिए, प्रशासन को मौका मत दीजिए जांच करने का। हमको जांच करके बहुत खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि हम जानते हैं कि इस जांच कार्रवाई से स्कूलों में बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, बच्चों के मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आएंगी, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आएंगी कि जिन बच्चों को हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके कारनामे इस तरीके हैं। बिहार के रण में उतरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाटलिपुत्र में चिराग पासवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने गरीबी खत्म करने के वादे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस 5 पीढ़ियों से झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई फिर गरीबी दूर नहीं कर पाई और एक बार फिर राहुल गांधी गरीबी दूर करने का झूठा पुलिंदा गढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा जनता सब जानती है इसलिए मूर्ख नहीं बनेगी। 5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बात के साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट खटाखट, अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई 2004 से 2014 तक, तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का मसला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता इमरती देवी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब एफआईआर को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जीतू पटवारी की ओर से एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डबरा थाना सरकार और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉस आर के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि जीतू पटवारी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है मीडिया को उनसे उनकी लज्जा भंग हुई है। और यह जो स्टेटमेंट है इससे SC/ST एक्ट के भी प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। रीवा में लव जिहाद का बेहद ही हैरान कर